आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि सैलरी स्लिप पर तमाम मुलाज़मीन की टैक्स की रिकवरी की जो तफसीलात दर्ज होती हैं, वहाँ पर चार चीज़ें दर्ज होती हैं। नंबर एक, पेएबल। अकाउंट ऑफिस का सिस्टम ऑटो पर पूरे साल का टैक्स निकाल लेता है, लेकिन ये रकम हर महीने की सैलरी स्लिप पर तब्दील होती है, क्योंकि ऑटो टैक्स जनरेशन हमेशा मौजूदा महीने की कुल तनख्वाह को सालाना तनख्वाह में तब्दील करके टैक्स निकाल देता है, मतलब इस मुलाजिम ने साल में कितना टैक्स देना है। नंबर दो, रिकवर टिल। इसमें महीना लिखा होता है कि इस महीने तक मुलाजिम ने टैक्स दे दिया है। नंबर तीन, एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब है किसी चीज़ पर छूट देना। FBR की तरफ से इसाज़ा को टैक्स रिकवरी में छूट दी गई है, मतलब आपका अगर माना जितना भी टैक्स बनता है इसका 25% छूट दी जाती है। यहाँ वो रकम लिखी होती है जो आपसे नहीं ली गई। नंबर चार, रिकवरेबल। इसमें वो टैक्स की रकम होती है जो आपने भी देनी है। अब आपकी ग्रास सैलरी फर्ज क्या 6003 है, तो इसमें से 50,000 निकाल लें, तो 1003 रुपए का 5% निकाल लें, तो 501 रुपए टैक्स बनता है। अब इस 501 का 25% लें जो छूट दी जाती है, वो 125 रुपए बनते हैं, तो आपका टैक्स 376 रुपए बनेगा। यानी ये एक किस्म की एक सीक्वेंस है जो मैंने आपको बताई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए जो चार चीज़ें होती हैं लिखी हुई सैलरी स्लिप में, उनकी थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बता दी है। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।